हम लोग का चैनल है, यूट्यूब चैनल। ये रहा सीमेंट फैक्ट्री, देखो कितना जॉइंट है। हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल गोरखा ब्लॉगर। तो कैसे हो आप लोग, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं उमरांगशु। नाम सुनने में जितना अनकंफर्टेबल लग रहा है, दरअसल ये उतना अनकंफर्टेबल है ही नहीं। आप यहाँ में आएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है। दरअसल मेरे पीछे आपको बहुत बड़ा फैक्ट्री आपको दिखाई दे रहा है, वो एक सीमेंट फैक्ट्री है। कहीं ना कहीं आपने एक सीमेंट का नाम तो सुना होगा, डालमिया सीमेंट। जी हाँ, टीवी के एड में भी देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने खरीदा भी होगा, घर में लगाए भी होंगे। वही डालमिया सीमेंट बनता है इस वाले डिमासा डिस्ट्रिक्ट के उमरांगशु पर। ये जो फैक्ट्री दिखाई दे रहा है यहीं पे बनता है डालमिया सीमेंट। तो उमरांगशु टाउन है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कैसा है कैसा नहीं, हम लोग पास में जाके आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे। यही बात है, कितने दायरे पे फैला हुआ है तो मैं बता दूं, लगभग 3.98 स्क्वायर किलोमीटर दायरे पे फैला हुआ है। आप बोल सकते हैं 4 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। बॉर्डर की बात करूं तो ये मेघालय और आसाम के डिस्ट्रिक्ट को शेयर करता है। दोस्तों अगर लैंग्वेज की मैं बात करूं तो यहाँ के लोग डिमाहाशा, कार्बी, खासी, हिंदी बात करते हैं। ये उमरांगशु जो है हापलोंग से लगभग 112 किलोमीटर दूर है। 2001 सेंसस के हिसाब से यहाँ पर लगभग 9000 जनसंख्या था, इसलिए यहाँ में जो फैक्ट्री में सीमेंट बना है उसी सीमेंट को ये लेके बड़े बड़े शहर चले जाते हैं। जैसे ये गुवाहाटी हो गया, मेघालय हो गया, शिलोंग हो गया, अलग अलग टाउन बड़े बड़े शहरों पे ये एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ। फाइनली दोस्तों आप लोगों को उमरांगशु शहर, उमरांगशु टाउन आप लोगों को मैं एक्सप्लोर करा रहा हूँ। यहाँ में आपको सबसे ज्यादा अगर कोई गाड़ी दिखने को मिलेगा वो रही ट्रक। यहाँ में भी 3-3 ट्रक खड़े पड़े हुए और आगे भी ट्रक ही ट्रक आपको दिखने को मिलता है। यही फैक्ट्री से बना हुआ सीमेंट को इस ट्रक में डालकर अलग अलग शहरों पे पहुंचा दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ का दुकानें देखे, यहाँ का लोग देखे, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे को जरूर बताए। मैं आप लोगों को उमरांगशु एक्सप्लोर करा रहा हूँ, यहाँ के दुकानें ऐसे दिखते। ये रहा सीमेंट फैक्ट्री, देखो कितना जॉइंट है, कितना खतरनाक है, देखो ओ माय गॉड कितना बड़ा है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री यहीं से बनता है। डालमिया सीमेंट जो ऊपर में आपको बड़ा सा जैसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ब्रिज नहीं है। यहाँ से जो सीमेंट बनता है वो ऐसे पास होके वहाँ तक जाता है, मतलब फिल्टर उल्टर होता होगा, ऐसा ही कुछ सीने देखे। ओ देखे दूर दूर में ये टाउन खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इतना खूबसूरत टाउन के रास्तों को ऐसा ना रखा जाए। ऐसे भी ये टाउन काफी चर्चा में है, प्रचलित है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमें इतना बड़ा सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, देख सकते कितना सारा पॉपुलेशन है, बहुत सारे घर है, इतने लोग रहते हैं। तो मैं बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ दिस वीडियो गोज टू द सरकार, गवर्नमेंट तक पहुंच जाए तो यहाँ का रास्ता को जल्द से जल्द बनाया जाए। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं आसाम पे हूँ। आसाम शब्द सुनते ही माइंड में एक ही चीज दौड़ने लगता है, प्लेन एरिया। ओके अब ये देखे कितना हाइट पे उमरांगशु, कितना हाइट पे है, देखो पूरा का पूरा ये आसाम है। ओके अब पूरा ऐसा लगता है पूरा पहाड़ के ऊपर में है। मुझे लगता है कि ये पहाड़ में होने का एक ही वजह है, क्योंकि ये मेघालय को बॉर्डर शेयर करता है। कहीं ना कहीं मेघालय तो पूरा पहाड़ इलाके वाले जगह है, इसी वजह से ये पहाड़ वाला है। इसी भी पहले मेघालय आसाम भी पड़ते थे, जब डिवीजन हुआ थोड़े से पहाड़ वाले इलाके हमारे आसाम में पड़ गया होगा, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से ये देखिए ये वाला पहाड़ वाला इलाका हमारे आसाम में पड़ गया। देखिए यहाँ का उमरांगशु आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ की दुकान देखे, यहाँ के लोग देखे, कुछ इस प्रकार से हूबहू पूरा मेघालय लग रहा है। प्योरली आपका पड़ता है आसाम। शाम हो चुका है, आसमान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हमारे पास यहाँ में क्या है, वंदे पुरुषोत्तम, अच्छा वंदे पुरुषोत्तम लिखा था, वो आसामीज में था ना, हिंदी में था। ओके आप लोगों को ये उमरांगशु कैसा लग रहा है मेरे को जरूर बताएं। देखिए कितना खूबसूरत है, हमारे पास ही में है खूबसूरत सा मंदिर। हमें यहाँ से अभी लेना है लेफ्ट, राइट नहीं जाएंगे, बहुत देर बाद हमें अच्छा वाला इलाका मिल गया। देख सकते हैं इस लुक वेरी ब्यूटीफुल गाइस। हम लोग यहाँ में उमरांगशु पे पेट्रोल भरवा लेते हैं। यहाँ पे क्या है प्राइस 600 है। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा बाइक का टैंक जो है फुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ में राइडिंग करते करते ऐसे बहुत जगह मिले के पेट्रोल पंप ही नहीं मिला। पेट्रोल पंप मिला ना, कहीं में भी नहीं मिला। लगभग 150-200 किलोमीटर रनिंग करने के बाद हमें एक पेट्रोल पंप मिला। तो दोस्तों टैंक हो चुका है फुल और हम यहाँ पे है निपको पे। मैं आप लोगों को उमरांगशु एक्सप्लोर कराऊंगा बोल रहा था, उमरांगशु टाउन मिलने वाला है, मैं आपको उमरांगशु टाउन एक्सप्लोर कराऊंगा। आज हम लोग यहीं पे ठहरेंगे, कल हमें टाइम मिला तो हम गर्म पानी खाएंगे कि गर्म पानी कितना बड़ा है। वैसे भी मेरा दोस्त पिंटू थे ब्लॉग्स भी बहुत बुरी तरीके से थक चुका है, उसका भी पेट में चूहा दौड़ रहा है, क्योंकि हम दोनों एक साथ आए तो हम दोनों कुछ खाए नहीं। देखे यहाँ पे आप उमरांगशु टाउन कैसे लग रहा है, ये क्या है स्नेहा लॉज, अच्छा यहाँ पे रह सकते हैं राइट। ओके यहाँ में रह सकते हैं हम लोग, अफोर्डेबल में रहेंगे। ये रहा उमरांगशु टाउन और ये रहा ऑटो स्टैंड वाले इलाके, ये रहा बाजार। यहाँ से आप नौगांव जा सकते हैं, लंका जा सकते हैं, देखे बस लगा हुआ है। लंका बहुत ही ज्यादा, मतलब लंका सॉरी उमरांगशु बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चाइनीज कॉर्नर अंदर वाला सीन आप लोग को एक्सप्लोर करा के दिखाएंगे, देखते हैं कि अंदर कैसा है। उमरांगशु का अंदर वाला इलाका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और हमें यहाँ पे एक मेमोरी भी लेना है, देखते हैं कि यहाँ पे मेमोरी कहाँ पे मिलता है, कंप्यूटर दुकान कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे बाइक एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकता होगा ना, इतना खूबसूरत है देखिए मार्केट।
तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ का बाजार कैसा लग रहा है मेरे को जरूर बताएं। यहाँ का देखिए इलाका कुछ इस प्रकार से लगता है। फास्ट फूड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस लुक वेरी ब्यूटीफुल, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग मजा आ रहा है। शाम का व्यू है, जब शाम होता है तब नजारों का लुत्फ उठाने में मजा ही कुछ और आता है। मार्केट वाओ मजा, यहाँ के लोग मतलब ऐसा है, मतलब आसाम जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ओके, मेघालय में जैसे जैसे लोग दिखाई देते ना उस टाइप के लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भैया यहाँ पे मेमोरी वेमोरी कहाँ भी मिलता है? थोड़ा आगे ना, हम लोग का चैनल है, यूट्यूब चैनल। चैनल अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल का थोड़ा आगे पे है ना। ये देखिए मार्केट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नाशपाती बिक्री किया जा रहा है, आगे में सब्जी का गुटी सीड को बिक्री किया जा रहा है। वो रहा दालमिया, मेमोरी कहाँ पे मिलेगा भैया? मेमोरी का दुकान कहाँ पे है? मेमोरी हाँ इस साइड में ना। सो गाइस यहाँ का मार्केट आप लोगों को कैसे लग रहा है मेरे को जरूर बताएं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों को मार्केट दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमें प्लानिंग है कि हम यहाँ में उमरांगशु में ठहर जाएंगे। मैंने सुना है यहाँ का लिली होटल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आगे जाके देखेंगे दोस्तों लिली होटल कैसा है। गाइस वहाँ पे हमें सीट मिलता है कि नहीं मिलता, रूम मिलता है कि नहीं मिलता, अगर रूम नहीं मिला तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। देखते हैं कि लिली होटल कहाँ पे है, देखना तो साइड में लिली होटल कहाँ पे लिखा है, यहीं पे होगा आसपास में बोल रहे थे। और लिली होटल कहाँ पे है? लिली होटल थोड़ा सा आगे ना, चले थैंक यू। शायद यही होगा क्या? ये नहीं है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया मिल गया। देखे चलिए ये रहा ब्यूटीफुल रूम, ये अटैच वाला ना, ये है 800 पड़ेगा। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है।